गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं रौनक एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बट बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज का जो हमारा वीडियो है वो काफी अलग होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ईद आने वाली है, शादियों का सीजन आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा फैंसी, डेलिकेट और ब्यूटीफुल हैंड बैग्स परचेज किए हैं। सारे बैग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड क्लासिक है। एक एक करके देखते हैं कि मैंने कौन कौन से बैग परचेज किए हैं। लेकिन उसके पहले आप करोगे मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो क्या करो, ये मेरे इंस्टा की आईडी है। और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने परचेज किया है ये फैबियो वुमेन्स व्हाइट एम्ब्रॉयडर्ड बॉक्स क्लच। मटेरियल इसका वेलवेट है, कंपार्टमेंट आपको सिर्फ एक मिलता है और जब आप इसको देखोगे ना रियल में खुश हो जाओगे। इतना प्यारा बीड्स का वर्क यहाँ पे किया हुआ है, आप खुद चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ही डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल सा बीड्स का वर्क करके मिलता है और बैक साइड पे आपको ये वेलवेट का कुछ फैब्रिक लगा के मिलता है। आप इसको करीब से चेक करो यार, क्या मजे की चीज रिसीव हुई है। इतना प्यारा डिजाइन, अगर आप ऐसे बैग्स को नॉर्मल स्टोर से परचेस करोगे ना, कहीं से भी मॉल एंड ऑल से, तो ये आपको 1000-2000-3000 तक की रेंज में ही मिलेगा। लेकिन ये देखो आप मीशो पे कितने कम रेट में इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है यार। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इंडिया में ना मीशो ही जात हुआ। इसमें अगर आप करीब से चेक करोगे ना तो 3 टाइप्स की बीड इसमें यूज हुई है। आप देखो, एक को हम शायद मोती बोलते हैं और बाकी ये पर्ल्स है ना। मुझे इसका ये वाला डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। गाइज आप खुद चेक करो, वाओ, मतलब ये पूरा ही बहुत अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे इसका टैग लगा हुआ है और उसी के साथ हमें मिलती है ये क्या बोलते हैं इसे, चेन। आप इसको चेन के साथ भी ऐसे वेयर कर सकते हो और आप चेन को निकाल के भी वेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अंदर से ये बैग कुछ ऐसा दिखता है, ब्लैक कलर का फैब्रिक अंदर लगा हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यार। ये गिरेगा भी ना तो भी नहीं टूटेगा, पता है आपको। गाइज आप है ना यहाँ पे इसका MRP चेक करो, 3000 रुपीज। इसके अंदर ना इतनी स्पेस तो है ही कि आप इसमें अपना सेल फोन कैरी कर सकते हो, हल्का फुल्का सा अपना कोई भी मेकअप है वो रख सकते हो, कैश रख सकते हो, या फिर छोटी मोटी जो भी चीजें होती है ना जो आराम से एडजस्ट हो जाती है उसे आप कैरी कर सकते हो। ये देखो आप, अरे यार चेन फंस गई। बिना चेन के ही ये बॉक्स क्लच मुझे अच्छा लग रहा है, आप देखो। और इसका जो ये बैक साइड का पोर्शन है ये भी काफी सॉफ्ट सा है। तो मैंने इसको ऑर्डर किया था इन ₹678 व्हिच इज वर्थ, क्योंकि आप इसकी डिजाइन चेक करो, इसका लुक चेक करो और ये काफी मजबूत भी है और काफी लंबे समय तक ये चलेगा। तो गाइज अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद जो चीज मैंने परचेस की ना वो थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन जब आप इसको देखोगे ना तो आप खुद सोचोगे कि बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है। सीरियसली गाइज ये इतनी गजब की है कि मैंने अपनी लाइफ में ना पहली बार ऐसे क्लचेस देखे हैं, सच्चे में कसम से। इसका नाम है बेस्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिजाइनर हैवी स्टर्ड एंड पैच डन ऑन क्लच फॉर पार्टी लुक। और ये ना रेजिन क्लच है, ठीक है। नेट क्वांटिटी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है लेकिन हमें सिर्फ एक ही बैग रिसीव हुआ है, तो वो हमारा ब्यूटीफुल सा रेजिन क्लच है यहाँ पे। तो ये देखो मैं बात कर रही हूँ ये वाले रेजिन क्लच की। मैं आपको इसको पूरा कम्प्लीटली ओपन करके दिखाती हूँ। वाओ, तो मैं बात कर रही थी ये वाले रेजन क्लच की, खूबसूरती ना इसमें से टपक टपक के गिर रही है, कितना सोना लग गया। आप ये चेक करो कितना प्यारा ये स्टोन का वर्क यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे आपको व्हाइट स्टोन मिलता है, गोल्डन स्टोन मिलता है और आप ये पे बीड्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे ना ओरिजिनल ऐसे स्टोन भी लगे हुए है, आप ये स्टोन चेक करो गाइज, है ना कितने कमाल का। और ये है रेजिन, ठीक है, आवाज आ रही है आपको। ये इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको यूज ही नहीं करूँ, बस इसको संभाल के रख लूँ। और गाइज बैक साइड से ये बिल्कुल प्लेन है, आप चेक करो। जो रेजिन का आर्ट है ना उसमें भी आप चेक करोगे तो आपको शाइनिंग शाइनिंग दिखेगी अंदर, है ना, दिख रहा है ना आपको कितना मजे का डिजाइन है यहाँ पे। तो इसको ओपन करना बहुत ही सिंपल है, आप इसको ऐसे खोल लो, बस हो गया, ठीक है। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है और आपको ना इसमें ज्यादा स्पेस नहीं मिलती है क्योंकि सारी जो चीज है ना इसके लुक की है, लुक में ही शो है, शो में ही लुक है। तो इस क्लच में ना आप सिर्फ अपना एकमात्र फोन रख सकते हो और हल्का फुल्का सा जो भी कुछ कैश है वो रख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप इसमें अपने बच्चों के डायपर रखोगे, अपना दुपट्टा कैरी करोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके अंदर ना बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक लगा हुआ है। बताओ मैं आपको कैसा है, जब आप कोई गोल्ड की ज्वेलरी परचेस करते हो आपको जो बॉक्स मिलता है ना अंदर का कपड़ा कितना सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा मजबूत भी होता है, तो बिल्कुल वैसा ही कपड़ा इसके अंदर लगा हुआ है। इसी के साथ आपको मिलती है इसमें चेन, तो ये है इसकी चेन और चेन भी काफी मजबूत है, तो आप इसको आराम से ना लटका सकते हो, ठीक है। और मुझे तो पर्सनली ये बिना चेन के अच्छा लगता है, डाल देते हैं चेन को अंदर। आप इस क्लच को हर जगह कैरी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे ही चलेगा, लेकिन ये वेस्टर्न पे भी उतना ही चलेगा, ठीक है। मैं आपको उसका प्राइस बता देती हूँ, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था इन एंड ओनली 1097 रुपीज। ये इतना ज्यादा वर्थ है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो अगर आप इसे परचेस करने में इंटरेस्ट रखते हो तो नेक काम में ना कभी देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने परचेस किया है ये पराटो सिल्वर मेटल बैग डॉटेड स्टाइल क्लच स्लिंग बैग पार्टी बैग, पैटी बैग बोलने जा रही थी मैं।
मटेरियल इसका मेटल है, कंपार्टमेंट आपको सिर्फ एक मिलता है और पैटर्न इसका है एम्बेलिस्ड। ठीक है, ये कैसा पैटर्न है यार। गाइज इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने ऑर्डर किया है ये सिल्वर वाला, लेकिन इसमें आपको गोल्डन वाला, ये मल्टी कलर वाला और थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन भी है, आप चेकआउट कर सकते हो। ओके गाइज, तो ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा पराटो का सिल्वर मेटल बैग। मैं इसकी क्या तारीफ करूँ, आप खुद चेक करो यार, ये कितना यूनिक सा है। देखो मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसे बैग्स देखे ही नहीं है सच्ची। इसके डिजाइन और ये जो सारे यहाँ पे लगे हुए ना, ये एम्बेलिस्ड पैटर्न जो है इसका, ये तो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है, आप चेक करो, यहाँ पे भी आपको फुल वैसा ही एम्बेलिस्ड पैटर्न करके मिलता है। ये कैसा पैटर्न है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे जैसा भी हो, जो भी हो, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही यूनिक सा है। ठीक है, आप इसकी साइड चेक करो, कितना प्यारा लग रहा है यार। वाओ, तो इसको ओपन करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। ये देखो आप, इतने आसानी से ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग मिलती है पराठो। पराठो बोल बोल के ना मुझे पराठों की याद आ रही है यार। अब सहरी में ना मैं पराठा ही खाऊंगी। तो गाइज इसमें भी हमें चेन मिलती है सिल्वर कलर की ना। वाओ, अच्छा है, मुझे लगा गोल्डन कलर की तो नहीं आ गई। चेन की जो क्वालिटी है ना, वो अभी तक का तीनों क्लचेस में बिल्कुल सेम ही थी। ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी के साथ चलेगी और प्लस जमेगी। गाइज तो जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इसकी क्वालिटी, इसका लुक, ईच एंड ऑल एवरीथिंग बहुत ही ज्यादा सुपर्ब लगा। ठीक है, मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। मैंने इसको परचेस किया था इन एंड ओनली ₹615, विच इज वर्थ। इसके बाद मैंने अगेन एक रेजन क्लच परचेस किया है। तो ये है बेस्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट फैशनेबल लेटेस्ट वुमेन रेजन क्रिस्टल स्टोन क्लच। वाओ, मटेरियल इसका रेजन है, इसमें आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है और पैटर्न इसका अगेन एम्बेलिस्ड है। ठीक है, और ये रहा हमारा बहुत ही स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल सा रेजन क्लच। मैं तो बिल्कुल ना ब्लैंक सी हो रही हूँ, मुझे कोई वर्ड ही नहीं सूझ रहा है कि मैं बोलूँ क्या। आप इसकी खूबसूरती देखो, कितना प्यारा लग रहा है यार ये, इसका पैटर्न, इसकी डिजाइन, ओ माय गॉड। कोई चीज इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। खूबसूरत बोला तो मैंने ये हटा के अपना फेस दिखाया है। ठीक है, मीशो को अंडर एस्टिमेट करने की गलती तो हमें अभी करनी ही नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं आप लोग कैसे बताते हो कि हमारा ऑर्डर आता नहीं है, और अगर आता है तो वो अच्छा नहीं आता है। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो आपको वो लोग अच्छे कपड़े भेजते हैं, हमारे फुप्पा लगते हैं वो या खालू लगते हैं हमारे। तो आप खुद चेक करो, बहुत ही मजे का इसमें आर्ट आपको करके मिलता है यार। कितने दिमाग से ये लोगों ने एक क्लच को इतना मस्त बनाया है। ब्लैक कलर का रेजिन मटेरियल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। फ्रंट पार्ट तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये देखो आप, ये कितना बड़ा सा इन लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। और ये गोल्डन कलर की लीफ मिलती है हमें, वाओ। और बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है, फुल रेजिन का वर्क आपको यहाँ पे करके मिलता है और काफी मजबूत है ये। तो इसको ओपन करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, खोल लो बस। बहुत ही मजेदार है यार। साथ में हमें मिलती है ऐसी चेन, गोल्डन कलर की चेन। इसमें हमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल रहे हैं और बहुत सारी डिजाइन भी है इसमें, आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। तो मैंने इसको ऑर्डर किया था इन एंड ओनली ₹1000, गाइस, विच इज वर्थ। सच्ची में अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली। और आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैग। इसके बाद मैंने परचेस किया है ये स्टाइल्स लेटेस्ट वुमेन क्लच। मटेरियल है इसका PU, कंपार्टमेंट आपको इसमें दो मिलते हैं और इसका पैटर्न है एम्बेलिस्ड। देखने में ये मुझे काफी डिसेंट लग रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना तड़कता भड़कता आएगा। इतनी सारी वो है इसमें ग्लिटर, चमकी जिसे हम बोलते हैं, कि मेरे पूरे कपड़ों में लग गई यार ये। तो ये रहा हमारा वो बैग, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने गलती कर दी इसको परचेस करके, क्योंकि इतनी चमकी, ऐसा हाथ कर रही हो ना तो पूरे कपड़े में गिर रही है। फोटो में काफी अच्छी लग रही है, वैसे आई तो एज इट इज है, लेकिन ना फोटो में ये कुछ बहुत ही एकदम अट्रैक्टिव सा, एलिगेंट सा लग रहा है, लेकिन हाथ में आने के बाद ये उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। और इसमें भरा है बहुत सारा पेपर। गाइज इसकी जो चेन की क्वालिटी है ना, वो बहुत ढीली पीली सी है, बहुत ही पतली सी ये चेन है, और इसकी क्वालिटी भी काफी वैसी नहीं है जैसे कि हमारे और क्लचेस की थी। तो इसमें हमें मिलते हैं ऐसे दो कंपार्टमेंट जिसे हम एक ही समझेंगे। यहाँ पे आपको चेन वाला कुछ है जिसमें आप अपनी सीक्रेटली कोई भी चीजें रख सकते हो। नहीं रखनी मुझे कोई भी सीक्रेट चीजें, मेरे पूरे हाथ में और कपड़ों में चमकी चमकी हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसे परचेस करने के लिए सजेस्ट कभी नहीं करूंगी। इसका प्राइस था ₹239। नहीं, आप नहीं परचेस करोगे इसे। ठीक है, और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्लच। ओके, तो इसके बाद मैंने परचेस किया है अगेन एक रेजिन क्लच, बेस्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट फैशनेबल लेटेस्ट वुमेन रेजिन क्रिस्टल स्टोन क्लच। मटेरियल का रेजिन है, और ये रहा हमारा वो प्यारा सा खूबसूरत सा रेजिन क्लच। वाओ, अभी ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। जितनी इसकी तारीफ करूँ उतनी कम है, जितनी इसकी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। गाइस लुक एट दिस,
वाओ कितना अच्छा लग रहा है यार, ये ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अपने सर पे रख लूं। ये है हमारा खूबसूरत सा रेजिन क्लच विद लॉट्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी स्टोन एंड ऑल इन इट। कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, आप इसकी सारों की डिजाइन चेक करो, ये फ्लावर देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे पास ना वर्ड्स की शॉर्टेज हो गए। ये जो ग्रीन स्टोन इन लोगों ने यहाँ पे यूज किए ना, इतने प्यारे लग रहे हैं। प्लस ये जो फ्लावर के जैसा बुके बना हुआ है ना बीट्स का, ये भी बहुत हद तक बहुत अच्छा लग रहा है यार। सारे रेजिन क्लचेस जो मैंने ऑर्डर किए ना गाइज, लाजवाब है। आप ना इन्हें विदाउट एनी सेकंड थॉट परचेस कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर है हमारी चेन जिसे हम निकाल लेते हैं, और इसकी जो चेन है ना वो हल्की सी छोटी है लेकिन काफी अच्छी लग रही है मुझे, ये देखो आप। और ये जो रेजिन का यहाँ पे मटेरियल है ये भी काफी अच्छा लग रहा है, आप इसको बैक साइड से चेक करो, है ना, लग रहा है ना प्यारा। इसका ऑल ओवर द लुक बहुत प्यारा है। मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, 1600 रुपीज, 1600 रुपए का। ये इतना महंगा क्यों, इतना महंगा इसको देने की क्या जरूरत थी। इसमें ना वर्क थोड़ा सा ज्यादा है, आप इसका फ्लावर एंड ऑल चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी इतना प्राइस बढ़ाने का क्या जरूरत था। 100 या 200 रुपए बढ़ा देते, आपने सीधा 600 रुपए बढ़ा दिए। मैं तो इसके उसमें नहीं हूँ यार। वैसे इसका लुक शुक सब बहुत ही ज्यादा गजब है, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इसे परचेस करना चाहते हो या नहीं। परचेस करने के बाद रिग्रेट नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैग, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि बस खत्म। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो मीशो के इन फैंसी क्लासिक डेलिकेट एंड फैशनेबल हैंड क्लचेस पे। गाइज अगर आप इनमें से कुछ भी परचेस करना चाहते हो जो मैंने आपको बताया है, तो आप आराम से उन्हें परचेस कर सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस।